खजूर एक ऐसा पेड़ है जो गर्म देशों, समुद्र के किनारे या रेतीले मैदानों में होता है। खजूर के पेड़ ज्यादातर सीधे खंबे की तरह ऊपर चले जाते हैं और उनके सिर पर पत्तियां कम से कम 4 अंगुल से 7 अंगुल तक लंबी, पतली और नुकीली होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सुपर फूड कहा जाने वाला खजूर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह शरीर से जुड़ी बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। इसमें डाइट्री फाइबर, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन, नेचुरल शुगर और पोटेशियम मौजूद होते हैं जो शारीरिक बीमारियों को खत्म करता है और एक हेल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। इनमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा काफ़ी भरपूर होती है। ड्राई फ्रूट्स में किसी भी प्रकार के केमिकल के मिले होने का खतरा नहीं होता, इसलिए इनका सेवन काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे शरीर से जुड़ी कई प्रकार की गंभीर बीमारियों के खतरे को होने से रोका जा सकता है। खजूर का सेवन करने के लिए सबसे बेहतर है इसे दूध के साथ खाना। खजूर में विटामिन डी, आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, अमोनियम ऑक्साइड और कई प्रकार की विटामिन्स पाई जाती हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। खजूर में फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। खजूर में एंटी ट्यूमर और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को आसानी से दूर कर सकता है। शरीर में शुगर की मात्रा के बढ़ने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन खजूर के इस्तेमाल से ब्लड के शुगर लेवल को नियंत्रित रखा जा सकता है, इसलिए खजूर का सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और त्वचा को निखारने का कार्य करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अहम भूमिका होती है। खजूर में ये काफ़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर त्वचा में चमक लाने के लिए किया जाता है। खजूर में फाइबर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है जिसका सीधा असर हमारी पाचन क्रिया पर होता है। पेट से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए खजूर में बेहतरीन पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर में कैरोटीनॉइड्स और फोलिक एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है जिससे यह दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसका सीधा असर दिल को मिलता है और दिमाग की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उसकी सेहत का ख्याल रखने में भी ये काफ़ी बेहद ज़रूरी है। खजूर का सेवन करने से दिमाग को स्वस्थ रखा जा सकता है। खजूर का सेवन करने से दिमाग की सूजन को कम किया जा सकता है जिससे दिमाग स्वस्थ बनता है। खजूर खाने से दिमाग तेज होता है और मेमोरी पावर भी बढ़ने लगती है। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को खाद्य पदार्थ खाने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है, लेकिन खजूर में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे जन्म देने के दौरान महिला को लेबर पेन बहुत कम होता है। गर्भ अवस्था में खजूर का सेवन करने से महिलाओं में ज़्यादा ताकत की अनुभूति होती है। खजूर में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। साथ ही साथ हड्डियों को बेहतरीन और स्वस्थ बनाने के लिए खजूर में फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा मौजूद होती है जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है और साथ ही साथ गठिया और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। खजूर में बीटा डी ग्लूकन होता है। यह शरीर के भीतर एक एंटी ट्यूमर गतिविधि को बढ़ावा देने में फायदेमंद है। खजूर के नियमित सेवन से कैंसर के खतरे को काफ़ी कम किया जा सकता है। खजूर ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करता है। इंटरल्यूकिन मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। खजूर का नियमित सेवन करने से अल्जाइमर जैसी मस्तिष्क अपक्षीय स्थिति के विकास को रोकने में मदद मिलती है। खजूर का सेवन चिंता विकार को कम करता है और याददाश्त को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। खजूर में फ्लेवोनॉइड्स और विभिन्न अमीनो एसिड्स होते हैं जो पुरुषों की यौन प्रदर्शन के लिए पर्याप्त ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यह शुक्राणुओं की संख्या में सुधार कर पुरुषों में यौन कामेच्छा बढ़ाने में भी मदद करता है। खजूर में पाए जाने वाले गुण किडनी को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। खजूर का अर्क गुर्दे में अतिरिक्त प्लाज्मा और कैरेटिनिन को भी कम करता है जिससे गुर्दे का पूर्ण स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। खजूर में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। पोटेशियम तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को आसान बनाता है। खजूर में सोडियम कम मात्रा में होता है जिससे उच्च रक्तचाप की संभावना भी कम हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।